प्लस यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट 2021 बैच स्टूडेंट्स का फिफ्थ सेमेस्टर मार्च में होने वाला, उसके बाद उनका फिर सिक्स्थ सेमेस्टर है। क्या वो PGCUET रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है? उनका कहना है कि हमारा मार्च में खत्म होने वाला था ग्रेजुएशन, तो उस क्लस्टर यूनिवर्सिटी कुछ डिले कर रहे, तो आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम नासरी, आप देख रहे हो द कश्मीर स्टूडेंट और मैं हूँ आपकी मेजबान जबरीन आशिक। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़े वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्जामिनेशन इज्जत माप खुर्शीद अहमद साहब। सर सबसे पहले कश्मीर स्टूडेंट आपको बहुत बहुत थैंक यू। सर 2024 पीजी एडमिशन के लिए CUET रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट 2021 बैच स्टूडेंट्स में इस हवाले से काफी कंफ्यूजन देखा जा रहा है। उनका कहना कि उनका फिफ्थ सेमेस्टर मार्च में होने वाला, उसके बाद उनका फिर सिक्स सेमेस्टर है। क्या वो PGCUET रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है? सर उनका कहना है कि हमारा मार्च में खत्म होने वाला था ग्रेजुएशन, तो उस क्लस्टर यूनिवर्सिटी कुछ डिले कर रहे, तो आपका क्या कहना है? सवाल नहीं, देखिए हमारी तरफ से डिले कुछ नहीं है। मैं आपका अपना प्रोसीजर बताते हैं हम आपको कि हम सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन जो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम करते हैं टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न प्रिंसिपल्स। जब हमारे प्रिंसिपल सिलेबस कंप्लीशन नोटिस भेजते हैं उसके बाद ही हमें कार्रवाई होती है शुरू, इसमें जो एग्जाम कंडक्ट करने का सिलसिला जो है। तो अब इस साल हमने क्या किया कि अभी हमने नोटिफिकेशन निकाली है एग्जाम फॉर्म के लिए, सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म वेरियस सेमिस्टर्स है उसमें। तो ये इस हवाले से हमने किया था ताकि जो बेसिकली हमारा जो प्रोसीजर है एग्जाम फिल फॉर्म करने का, वो तो टैग होता है इंटरनल्स के साथ। तो जिस बच्चे का इंटरनल नहीं होता है उसका एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं होता नहीं। था, लेकिन इस बार हमने वो कैप उठा लिया ताकि हमने कहा कि ये छुट्टियां हैं अभी, तो ये जो 10-15 दिन हमें मार्च में लगेंगे इनको एग्जाम फॉर्म करने में, तो ओवर टाइम वो जाया हो जाता उनका। तो हमने कहा कि नहीं, हमने प्रिंसिपल के साथ मीटिंग की, हमारे वाइस चांसलर ने मीटिंग की, हमारे डीन्स बैठे थे, सारे प्रिंसिपल्स आए थे उसमें। तो ये 19 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड हो गया था नहीं अभी हम ये कैप उठाएंगे और एग्जाम फॉर्म लिंक हम ओपन करेंगे बच्चों के लिए, ताकि अभी वो विंटर है, अभी वेकेशन है, इस में वो अभी फॉर्म भरेंगे। तो जो ही वो कॉलेज ओपन हो जाएगा उनके इंटरनल्स कंडक्ट होंगे, उसके बाद अगर सिलेबस कंप्लीशन नोटिस आ गई प्रिंसिपल से तो उनका एग्जाम लिया जाएगा। और रिकॉर्ड टाइम में मैं आपको बताऊं, जो हमारा 2020 बैच है उनका सिक्स सेमेस्टर का जो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन है वो खत्म हुआ था 30th अक्टूबर को, और 14th नवम्बर को हमने रिजल्ट नोटिफिकेशन निकाली उनकी। 14 दिनों में हमने उनका रिजल्ट निकाला फास्ट ट्रैक पे। तो क्लस्टर कभी डिले नहीं करती। अब जो इनकी क्लेम है हमारा डिले हो रहा है, इनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर जो स्टार्ट हुआ है वो 24 मई को जो कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क हुआ है 2021 में, और आपको पता है हम सब जानते हैं 2021 में सेकंड कोविड वेव चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू किए थे। इनका एडमिशन मार्च में नहीं हुआ है, मई में हुआ है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस इनका था वो एंट्रेंस बेस्ड था। तो एंट्रेंस बेस में आपको पता है एडमिशन करने में थोड़ा सा एक डेढ़ महीना लग ही जाता है, मेरिट वेरिट डिटरमाइन करना होता है, फिर वेटिंग लिस्ट आता है। तो फाइनली इनके जो कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क है वो 24 मई 2021 है। सारी नोटिफिकेशंस, हमारी सारी नोटिफिकेशन चाहे एडमिशन रिलेटेड है, एग्जामिनेशन रिलेटेड है, डेट शीट रिलेटेड है, वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, वो भी देख सकता है। वो ऐसी बात नहीं, हवा में बात नहीं करनी है कि हमारा डिले है, डिले नहीं है कहीं किसी कॉर्नर से, डिले नहीं है। हाँ, हम फॉर क्वालिटेटिव एकेडमिक डिस्कोर्स हम सर्टिफिकेट लेते हैं प्रिंसिपल से सिलेबस कंप्लीशन का, वो जरूरी है। थैंक यू सो मच सर।